हम पढ़ रहे थे, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सात पैटर्न हमने कंप्लीट किए। सो हमारे पास आठवां पैटर्न है, ठीक है, स्पाइनिंग टॉप उसको कहते हैं, स्पाइनिंग टॉप। पर जब बुलिश बनता है, ठीक है, सो हमारे पास बुलिश स्पाइनिंग टॉप कहलाती है, और जब हमारे पास बियरिश बनती है सो बियरिश स्पाइनिंग टॉप कहलाती है, ठीक है। ये देखो दोनों बिक, ठीक है, ऊपर नीचे सेम हो, ठीक है, इसकी डोजी नहीं होगी, जस्ट ये याद रखो, सिंपल डोजी की तरह ही होगी, पर ये डोजी नहीं होगी, इसकी बॉडी होगी, और इसके दोनों साइड विक जो होती है बॉडी के 3x होने चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर स्पाइनिंग टॉप कहलाती है, ठीक है। जब ये मार्किट के बॉटम में बनती है सो बुलिश स्पाइनिंग टॉप कहलाती है, और जब मार्किट के टॉप पर बनती है सो बियरिश स्पाइनिंग टॉप कहलाती है। जब बुलिश स्पाइनिंग टॉप होगी, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि बुलिश पैटर्न मतलब मार्किट को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, और जब मार्किट के टॉप पर मिलेगी हमें, उसका मतलब होगा हमारे पास कि बियरिश पैटर्न है, सो अभी मार्किट को ये बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करेगी। सो जब यही स्ट्रक्चर, इसकी कंफर्मेशन क्या है, ठीक है, जब बुलिश होगा सो फर्स्ट कंफर्मेशन के मार्किट के बिल्कुल बॉटम में बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी कि अपर विक एंड लोअर विक दोनों हमारे पास क्या होंगे, 3x होंगे, बॉडी के 3 गुना बड़ी होनी चाहिए दोनों तरफ की विक्स, ठीक है। फिर अगर मतलब फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी है, अपर विक 3 गुना ज्यादा हुआ, अगर फिर वहां रुक भी गया, नीचे वाला ज्यादा लंबा हुआ, नो प्रॉब्लम, पर मिनिमम 3x होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंफर्मेशन हमारी होगी, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। जब यही बियरिश स्पाइनिंग टॉप है, अभी जो मैंने मतलब मार्केट में डायरेक्टली मिल गया सो इस वजह से आपको यहाँ पर ड्रॉ किया, इस पर हम ट्रेड किस तरह लेंगे, ठीक है। ट्रेड हम इस तरह लेंगे कि अगला कैंडल नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के लिए यूज होगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बन जाए, और साथ में हमारे पास बियरिश स्पाइनिंग टॉप की लोअर विक की ब्रेकआउट करे, ठीक है। सो इसने लोअर विक की ब्रेकआउट किया है, सो वहां से हमारा नेक्स्ट कैंडल डाउन की डायरेक्शन में श्योर शॉट होगा। 100% एक्यूरेसी आपको तब भी मिलेगी जब ये पैटर्न हमेशा टॉप पर होगी, इसकी जो हाई होगी मार्केट की हाई से ऊपर हो, इसकी हाई जो होगी उसमें प्रीवियस 2 घंटे इस तरह मार्केट में देखो जिस तरह भी नहीं है, जस्ट ये इन्वर्टेड हैमर जो साथ में बना है उसका हाई ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा बाकी नहीं है, तब जाके आपका ये 100% वर्क करेगा और मार्केट को रिवर्सल देगा, ठीक है। बियरिश स्पाइनिंग टॉप तो समझ गए, ये बॉडी से विक 3 गुना बड़ा हो, ठीक है, मिनिमम। उसके अलावा अगर ऊपर अभी ये विक है ना ऊपर वाली, बॉडी से 3 गुना बड़ी हुई, अगर ये 10 गुना बड़ी हुई नीचे वाली 3 गुना, स्पाइनिंग टॉप ही है, क्योंकि मिनिमम 3 चाहिए, ज्यादा की कोई पाबंदी नहीं, जितनी भी ज्यादा हो, दोनों विक्स सेम भी ना हो पर मिनिमम 3 गुना ज्यादा हो, लाजमी, ये लाजमी है इसमें, और बॉडी होनी चाहिए ना के डोजी, ठीक है, इसमें बॉडी होती है ना के डोजी होती है, डोजी बिल्कुल बॉडी नहीं होती, इसमें हमारे पास बॉडी होती है छोटी सी। अभी स्पाइनिंग टॉप क्लियर है आपको, नाम इसका एक ही है, टॉप पे बनेगा बियरिश, एज ए बियरिश जब वर्क करेगा बियरिश स्पाइनिंग टॉप होगा, एज ए बुलिश जब वर्क करेगा बुलिश स्पाइनिंग टॉप होगा, और कलर दोनों में मैटर नहीं करता, एक ही चीज है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, ठीक है, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारे पास है मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। फिर मारुबुजु में हमारे पास एक ही नाम है, ठीक है, मारुबुजु एक ही कैंडल का नाम है। अभी जब वो हमारे पास इसी तरह जिस तरह स्पाइनिंग टॉप थी, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब टॉप पर बनती है सो फिर इसे बियरिश वर्क करती है और बियरिश मारुबुजु कैंडल होती है, ठीक है। और अगर वही कैंडल हमारे पास सेम, ठीक है, बॉटम में बनती है सो फिर बुलिश मारुबुजु कैंडल होती है, पर
पर इसमें कलर मैटर करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी हमारे पास मारुबुजो की जो एक मिसाल है, ठीक है, ये हमारे पास मारुबुजो मीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ठीक है, के मारुबुजो बॉटम में, ये अभी हमारे पास एक मारुबुजो है, बुलिश मारुबुजो, ठीक है, हमारे पास ये है बुलिश मारुबुजो कैंडल, जब ये मार्केट के बिल्कुल बॉटम में बने, ठीक है, सो ये बुलिश मारुबुजो पैटर्न होगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ये मारुबुजो हो गया। जब बॉटम में बनेगा इसका बुलिश होना लाजमी है, मतलब इसका ये कैंडल जो है इसमें कलर मैटर्स करती है, ठीक है, इस पैटर्न्स में कलर मैटर करती है, आपने लाजमी देखना है कि ये कैंडल बुलिश ही हो। और इसकी कभी कभी, इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती है फिर, ठीक है, एक तो हो गया मारुबुजु जो कंप्लीट मारुबुजु होती है, कंप्लीट मारुबुजु में हमारे पास क्या होगा, ना अपर साइड में विक होगा ना लोअर साइड में विक होगा, ठीक है, मारुबुजु में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जब हमारे पास ऊपर विक भी नहीं होगी और नीचे विक भी नहीं होगी, ये हमारे पास हो जाएगी कंप्लीट मारुबुजु कैंडल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट मारुबुजु कैंडल। अगर हमारे पास ऊपर साइड विक हुआ, जैसे यहाँ पर हुई, ठीक है, कंप्लीट मारुबुजु जो हमारे पास पैटर्न है उसकी टू टाइप्स है, एक है हमारे पास ओपन मारुबुजु कैंडल, ठीक है, पहले आप ये देखो मारुबुजु मीन्स स्ट्रांग, ठीक है, जिस पॉइंट से स्ट्रांग हो, ओपन मारुबुजु कैंडल जो है वो ये है, ठीक है, उसकी अपर शेडो होगी एंड लोअर शेडो नहीं होगी, ठीक है, इसको ओपन मारुबुजु इस वजह से कहते हैं कि इसकी ओपनिंग पॉइंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, उसका विक नहीं होता, ठीक है, और क्लोजिंग पॉइंट में इसका विक होता है, सो ये ओपन मारुबुजु कैंडल बन जाती है, मतलब क्या कि ओपन साइड से ये कैंडल स्ट्रांग है, सो हमारे पास मारुबुजु कैंडल की एक टाइप है ओपन मारुबुजु कैंडल, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये पैटर्न बना है, ठीक है, अभी ये हमारे पास ओपन मारुबुजु पैटर्न है। अभी दूसरी टाइप्स भी इसकी याद रखो, इसी मारुबुजु में हमारे पास सिकंड टाइप्स होती है क्लोज मारुबुजु कैंडल, उसका मतलब होता है कि उसकी क्लोजिंग पॉइंट स्ट्रांग होती है, मतलब क्या होगी कि उसकी कैंडल, अभी ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पॉइंट स्ट्रांग होगी, क्लोजिंग पॉइंट पर विक नहीं होगा और ओपनिंग पॉइंट में विक होगा, सो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज मारुबुजु कैंडल। उसी तरह जब ये बियरिश बन जाएगी, सो उसका विक कहाँ पर होगा, अप डायरेक्शन में विक होगा और नीचे नहीं होगा, मतलब अपोजिट हो जाती है ना, नाम से देखो ओपन मारुबुजु मतलब ओपनिंग पॉइंट स्ट्रांग, क्लोज मारुबुजु मतलब क्लोजिंग पॉइंट स्ट्रांग। ये हमारे पास एक कैंडल जब बड़ी बनेगी, ये याद रखो, ठीक है, ये हमारे पास ओपन मारुबुजु की टाइप हो गई, ओपनिंग पॉइंट स्ट्रांग, क्लोजिंग पॉइंट विक, ठीक है, और ये कैंडल ले लो, ठीक है, ये यहीं पर ले लो, वेट करो, यहीं पर मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, जस्ट कैंडल की पोजीशन आपने याद रखनी है बिल्कुल टॉप पर, ये तो मैं आपको जस्ट कैंडल की टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह कैंडल होती है, पोजीशन बिल्कुल टॉप में आपने ढूंढना है, ये कैंडल क्लोज बियरिश क्लोज मारुबुजु हो जाएगी, ओपनिंग पॉइंट में विक एंड क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल स्ट्रांग, कोई भी विक नहीं, जब वो रिवर्सल लेगी, ठीक है, बियरिश कैंडल होगी तब आप जाके, ये जस्ट आपने टाइप्स देखी अभी, ठीक है, ट्रेड लेना अभी आपका बाकी है कि ट्रेड इस पर आप किस तरह लोगे। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये भी, चलो ये बिल्कुल बॉटम तो नहीं है पर फिर भी आप देखो, ठीक है, जब एक स्ट्रांग मारुबुजु कैंडल, ठीक है, एक मारुबुजु कैंडल हो गई हमारे पास, उसकी अगली कैंडल बुलिश बन जाए, ठीक है, और अगर हमारे मारुबुजु कैंडल की, मतलब ओपन मारुबुजु कैंडल हुई, उसकी अपर विक की ब्रेकआउट साथ में कर दे नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, सो थर्ड कैंडल आपका श्योर शॉट होगा। अगर जैसा कि ये देखो एक क्लोज मारुबुजु कैंडल बनी है यहाँ पर, नेक्स्ट कैंडल बुलिश नहीं बनी, हमारी कंफर्मेशन नहीं हुई,
सो आपने ट्रेड लेना ही नहीं, बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पर इस कैंडल पर हमारी कंफर्मेशन मिली है हमें, सो नेक्स्ट कैंडल हमने ट्रेड ले ली आपकी डायरेक्शन में। कंफर्मेशन का वेट करना है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना। इसी तरह जब टॉप पर बनेगा नेक्स्ट कैंडल, डाउन की कंफर्मेशन आपने लेनी है, उसके बाद आपने जाके ट्रेड लेना है, ठीक है। बिल्कुल या तो बॉटम में होगी, हाँ, या बिल्कुल बॉटम में होगी, ठीक है, या बिल्कुल टॉप में होगी। और उसके पीछे जो मतलब जो दो तीन कैंडल बनी होती है, उन सबसे बड़ी कैंडल होती है, डायरेक्टली आपको पता चलता है मारुबुजु मीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक बड़ी कैंडल होगी, नॉर्मल कैंडल नहीं होगी। जो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मारुबुजु मैं आपको बता रहा था क्यों, जिस तरह अभी छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, बैक टू बैक, उसके बाद ये एक उसी तरह कैंडल नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, तब मारुबुजु कैंडल हो गई, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस तीन कैंडल से बड़ी कैंडल है, ठीक है। इसी तरह आप ये ले लो, ठीक है, अगर इसको आप मारुबुजु कहोगे, ये है नहीं अभी मारुबुजु, ठीक है, ये याद रखो, जिस कैंडल की दोनों साइड विक होगी वो मारुबुजु नहीं होगी, ठीक है, अगर जितनी भी बड़ी कैंडल हुई। अभी ये कैंडल जो बनी है प्रीवियस तीनों से बड़ी है, सो अगर इसकी विक एक साइड नहीं होती फिर ये हमारी मारुबुजु होती, मतलब जो प्रीवियस तीन चार कैंडल होगी उससे साइज में ये कैंडल हमेशा बड़ी होती है, तब ये मारुबुजु कैंडल होती है। और या बिल्कुल टॉप पर या बिल्कुल बॉटम पर।